The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. क्या टोबैको से कैंसर होता है ये जानते हुए लोग लेते हैं, इसका कोई और कारण है? जी हाँ, इसका कारण है टोबैको के अंदर प्रेजेंट निकोटीन. निकोटीन वो चीज नहीं है जिससे कैंसर होता है, राइट? ऑल्दो ऐसा नहीं है कि निकोटीन से थोड़ा सा भी कैंसर के रिस्क नहीं बढ़ते हैं, लेकिन निकोटीन ऐसी चीज है जो एडिक्शन कर देती है. जैसे चाय कॉफी का एडिक्शन होता है, जैसे आपको स्लीपिंग पिल्स का, किसी कोकेन जैसी दवाओं का, ड्रग्स का, जैसे आपको पबजी का, जैसे आपको पॉर्न का, जैसे आपको कभी कभी ऐसी किसी भी चीज का एडिक्शन हो जाता है, वैसे ही टोबैको का खाने पीने में एडिक्शन होता है. सो टोबैको का एडिक्शन इज रिलेटेड टू निकोटीन, बट कैंसर टोबैको के वजह से जो होता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ निकोटीन, दैट इज बिकॉज ऑफ 7,000 केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक. जी हाँ, 7,000 केमिकल्स से, 7,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं और उसमें 300 से ज्यादा कार्सिनोजन है, 300 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे कैंसर होता है. जी हाँ, कैन यू इमेजिन दैट? नाउ दैट्स गुड. नाउ व्हाट हैव टू बी डन? नाउ सी, कौन सा कैंसर होता है वो बता दे भाई. मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, और होता है लंग कैंसर, और मतलब लिटरली बॉडी के अंदर जहां पर भी कैंसर हो सकता है वहां वाले कैंसर की रिस्क और टेंडेंसी बढ़ जाएगी आपके. क्यों बढ़ जाएगी? इतने सारे कैंसरस केमिकल्स हैं, एक जगह थोड़ी जाते हैं, ज्यादा आपके मुंह में जाते हैं, ज्यादा आपके लंग में जाते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा चांसेस है. बाकी सारी जगह भी तो जाते ही जाते हैं, है कि नहीं? सो कैंसर हो सकता है. और लंग में इतने जा रहे हैं गाढ़े गाढ़े केमिकल्स, इतने खतरनाक, इवन कोल टार जैसी वो दिखाते हैं ना लंग निचोड़ के, एक्चुअली में वैसा डिपॉजिट होता है, काले हो जाते हैं लंग्स, और उसी वजह से लंग्स के अंदर या तो उसकी लंग्स की जो सांस की नलियां हैं वो फुफलियां हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं या बहुत ही बड़ी हो जाती हैं, या फिर अंदर जो गुब्बारे हैं छोटे छोटे एल्वियोलाई वो फट जाते हैं. COPD नाम की आपको बीमारी हो जाती, मतलब अस्थमा नहीं होते हुए भी आप एक तरीके के अस्थमैटिक हो जाते हो. दैट्स ट्रू. किसी में ये कुछ दिनों में होता है, किसी में ये कुछ महीनों में हो जाता है, किसी में कुछ सालों में होता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड करता है आप कितने इंटेंसिटी से स्मोक कर रहे हैं. बहुत जोरदार रोज स्मोकिंग, चेन स्मोक कर नहीं हूं मैं, एक दिन का गैप लेता हूं, राइट? यू आर फूलिंग नोबडी बट योरसेल्फ, है कि नहीं? चेन स्मोकर मतलब जिसको रेगुलरली पीना पड़ता है वो चेन स्मोकर है, राइट? इट्स नॉट अबाउट कितना, इट्स अबाउट जिसको रेगुलरली पीना ही पड़ता है. दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेन स्मोकर. सो नथिंग एल्स, आपको ये ध्यान देना है कि टोबैको स्मोक डेंजरस है, ना सिर्फ आपके लंग्स, आपके कैंस, किसी भी बॉडी के टिश्यू के लिए, आपके खून की नसों के लिए, आपके ब्लड क्लॉट के चांसेस, आपके हार्ट अटैक के चांसेस, खून की नसों में कड़कपना, ब्लड प्रेशर के चांसेस, आंखों में गड़बड़, आंखों के अंदर कैटरैक्ट, विजुअल प्रॉब्लम, मैक्यूलर डिजेनरेशन, वाह, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जिसमें हम टोबैको स्मोक को एक पॉजिटिव फैक्टर में ना डालें. अगर कोई पर्सन टोबैको लेते हुए उसको बीमारी हुई, चाहे उसको इन्फेक्शन हुआ, तो वो इन्फेक्शन से लड़ने की उसकी क्षमता हो गई कम, तो टोबैको इज बैड. मतलब इवन अल्कोहल की बात करें तो दारू पीना, फिर भी उसके अंदर एक दो जगहों पे एविडेंस है कि वाइन जो लोग लिमिट में रोज पीते हैं, एक लिमिट में रोज एक दवाई के जैसे या बीच बीच में कभी कभी पी लिया, तो वाइन, रेड वाइन इज हेल्दी फॉर द हार्ट, बट टोबैको का ऐसा नहीं. टोबैको स्मोक, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी, कम हो या ज्यादा, आपके हेल्थ पे है भारी, मतलब खराब है ही नहीं कुछ उसमें, अच्छा है ही नहीं कुछ अच्छा. तो आप क्यों पीते हो?
क्या वो चीज जो आपको उसको पीने से मिलती है किसी और चीज से नहीं मिल सकती। बस इतने से सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो आप छोड़ सकते हो। लोग हजारों वीडियो देखते हैं, लोग हजारों जगह जाते हैं, इवन कई बार जो संस्थाएं होती हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, वहां सालों या वहां महीनों गुजार के आते हैं, फिर भी वापस आके पीने लग जाते हैं। उनको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, उनको उससे मिल रहा है जो भी, क्या वो किसी और चीज से मिल सकता है? बस। और क्या वो कोई और चीज हेल्दी हो सकती है? ऐसा नहीं कि सिगरेट छोड़ के अब मैं स्मैक पीऊंगा, अब मैं ड्रग्स लूंगा, अभी यार ये ना चल बे। राइट। सो वो बहुत खराब चीज है, आदमियों के लिए भी, लेडीज के लिए भी, औरतों के लिए भी। औरतों के इसमें जो उनकी इनफर्टिलिटी का एक रीजन स्मोक हो जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट, अगर आप फीमेल हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आगे चल के अगर आप स्मोकिंग करते हैं, देयर इज अ चांस कि आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आएंगे, आपके होने वाले बच्चे में कॉम्प्लिकेशन आएंगे, आपके प्रेगनेंसी के दौरान और ज्यादा चांसेस होंगे दिक्कतें आने की। तो मजाक नहीं है यार। जो लोग बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ने बैन क्यों नहीं किया? भाई आपको पता है उसमें कितना पैसा मिलता है सबको, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता ही है। ठीक है, जो खराब है वो खराब है। राइट। आपने कितने वीडियोस देखे हैं, शुगर इज किलिंग यू, आप शुगर मत खाओ, रिफाइंड ऑयल मत खाओ, आप बाकी फलाना ढमकाना ये मत खाओ। लेकिन इसका तो पता है, इसका तो आप जानते हो, इसका तो कोई डाउट नहीं है, है ना? फिर खैर, सेकेंड हैंड स्मोक भी नहीं करना चाहिए भाई साहब। अगर आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है तो वो भी आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना वो और ज्यादा खराब होता है। आपके हार्ट, आपके लंग, आपके बच्चों, अगर सेकेंड हैंड स्मोक बच्चों के अंदर जा रही है तो बच्चों में इन्फेक्शन, कोल्ड, निमोनिया, अस्थमा, इन सब के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट्स नॉट सिंपल। लेडीज में, प्रेग्नेंट लेडीज में प्री टर्म लेबर, लो बर्थ वेट, फीटल डिफॉर्मिटीज, सब बढ़ जाते हैं। इट्स नॉट सो सिंपल। सो स्मोकिंग इज बैड, नो डाउट। टोबैको इज बैड, नो डाउट। अब कई लोग आ जाते हैं, क्या सर ने बोला अलग से कुछ करना है तो लेट्स गो टू सम अदर थिंग्स। जैसे कि सिगरेट बीड़ी नहीं पियेंगे, हम पियेंगे हुक्का। लेकिन भाई साहब, हुक्के में भी टोबैको होता है। टोबैको लेस हुक्का कर सकते हैं क्या? टोबैको लेस हुक्का चलेगा क्या? अब टोबैको लेस हुक्का में क्या है, उसमें भी केमिकल्स हैं। टोबैको एक केमिकल है जिसमें के प्रॉब्लम है, लेकिन सिगरेट में 7000 केमिकल्स हैं, दूसरे भी केमिकल्स हैं। कोई भी चीज जो उस टेम्परेचर में जल जाए कि वो सड़ जाए, तो उसके अंदर गलत चीजें पैदा होती। जैसे एक तेल है, तेल को जब जला दिया जाता है तो जलाने के बाद सेकंड टाइम यूज नहीं करते। ये तो सुना होगा, क्यों नहीं करते? क्योंकि जलाने के बाद वो उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस, फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। सेम चीज वहां, आप कागज जला रहे हो, कागज के अंदर पत्तियां जला रहे हो, टोबैको की पत्तियां हैं, ये है वो है, केमिकल है, फिल्टर आ रहा है, फिल्टर भी जल रहा है आखिरी में जाके, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली खराब है। इवन हुक्का खराब है, किसी भी प्रकार का दूसरा स्मोक, आपके गाड़ी के पीछे से आया हुआ स्मोक, ट्रकों के पीछे से आया हुआ धुआं, वो भी खराब है, वो भी स्मोकिंग जैसा नुकसान करेगा। ट्रैफिक सिग्नलों में खड़े होकर इतना सारा गर्म गर्म धुआं आप अंदर ले रहे हो, वो भी खराब है। उसके लिए मुंह पे कपड़ा बांधिए, हेलमेट पहनिए, मास्क पहनिए, बहुत जरूरी चीज है भाई साहब। ई सिगरेट्स बैटरी ऑपरेटेड स्मोकिंग डिवाइसेस होते हैं और